जेसीआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं गणेश कुमार। आज की इस वीडियो में क्लास 7 की विज्ञान से चैप्टर 7 गति, दूरी एवं समय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे विभिन्न प्रकार के ग्राफ के बारे में। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के भौतिक राशियों के बीच जो संबंध है, उस संबंध को चित्रात्मक रूप में दिखाने के लिए हम ग्राफ का उपयोग करते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में यह सीखेंगे कि जब कोई वस्तु गति करती है तो दूरी और समय के बीच जो संबंध होता है, दूरी और समय के बीच जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग ग्राफ के द्वारा कैसे दर्शाते हैं। तो ग्राफ के द्वारा किसी गति को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ग्राफ हम लोग बनाते कैसे हैं और ग्राफ में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ को समझते हैं, उसके बाद हम लोग किसी वस्तु के गति का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ को समझते हैं। आप देखिए, मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वह होती है ग्राफ पेपर। मतलब हमारे पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए और उस ग्राफ पेपर पे हम क्या करते हैं, दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर यह पहली रेखा है जो कि हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, और इस हॉरिजॉन्टल पर हम एक लंबवत रेखा जो कि वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, वो खींचते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जाती है। अब इन रेखाओं को जो कि क्षैतिज रेखा है उसे हम एक विशेष नाम देंगे, एक्स डैश ओ एक्स। मतलब ये एक्स अक्ष है, इसे हम एक्स अक्ष कहेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे हम दिखाएंगे वाई ओ वाई डैश से, और वाई ओ वाई डैश जो है उसे हम लोग कहेंगे वाई अक्ष। अब देखिए, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको समझना है कि यहाँ इधर की जो डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं जैसे कि मैं एरो से दिखा रहा हूँ इधर, यानी कि O से X की तरफ। तो O से X की तरफ जो भी राशियों को दिखाया जाएगा वह सारी की सारी राशि धनात्मक होगी, जिसे मैं पॉजिटिव दिखाता हूँ। उसी प्रकार से इस O और X डैश की दिशा में, मतलब O से अगर मैं जाता हूँ इस साइड में जिधर मैं रेड कलर से तीर का निशान दिखा रहा हूँ, तो इधर जितनी भी राशियों को दिखाया जाएगा वे सारे के सारे राशि ऋणात्मक होंगे, जिसे हम नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं X अक्ष से ऊपर की तरफ बात करता हूँ ओ वाई की दिशा में, जैसा कि मैं अपने एरो से दिखा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर का एरो है, तो ओ वाई की दिशा में जो भी राशियाँ दिखाई जाएगी वह सारी की सारी राशियाँ क्या होगी, धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। और उसी प्रकार से ओ वाई डैश के दिशा में जो भी राशियाँ दर्शाई जाएगी वह सारी की सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, किन राशियों को किधर दिखाना है ये समझेंगे। ओ एक्स की दिशा में धनात्मक राशि, ओ एक्स डैश की दिशा में नेगेटिव क्वांटिटीज, ओ वाई की दिशा में पॉजिटिव क्वांटिटी, और ओ वाई डैश की दिशा में फिर से नेगेटिव क्वांटिटी। तो इस तरह से हमारा ये जो ग्राफ है ये चार हिस्सों में बट गया। ये हमारा हो गया पहला हिस्सा, उसके बाद ये देख सकते हैं दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, और ये हो गया हमारा चौथा हिस्सा। ये जो पहला हिस्सा है उसमें हम केवल धनात्मक राशियों का ही प्रदर्शन करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल इस पहले हिस्से का ही उपयोग करेंगे, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब हम लोग इस वीडियो में जो भी ग्राफ सीखेंगे वो केवल और केवल धनात्मक राशियों के लिए ही सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि हम इस ग्राफ में संख्याओं को दिखाते किस तरह हैं, किधर दिखाते हैं नेगेटिव संख्या को और किधर दिखाते हैं पॉजिटिव संख्या को, एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ हमने कुछ नंबर्स को लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर शून्य है, जीरो है, और ये जो जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से एक्स की दिशा में जितनी भी राशियाँ हैं वो सारे की सारी राशियाँ पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार से आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार से O से X डैश दिशा में अगर हम जाते हैं तो O से X डैश दिशा में सारी नेगेटिव
क्वांटिटीज को दिखाए जाएंगे, सारे ऋणात्मक संख्याओं को दिखाए जाएंगे, जैसे 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 और माइनस 7, और भी इन संख्याओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर मूल बिंदु से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसमें हम संख्याओं को धनात्मक दिखाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, और अगर मूल बिंदु से नीचे की ओर हम जाते हैं तो हम दिखाएंगे -1, -2, -3 और -4, और इस तरह से हम संख्याओं को और भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कि हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ के लिए किस प्रकार से लाइंस खींचते हैं और उनको हम किस प्रकार और उनमें संख्याओं को हम किस प्रकार दिखाते हैं। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के सहायता से हम एक ग्राफ बना करके देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, दूरी और समय से संबंधित हमें एक चार्ट चाहिए कि कोई भी वस्तु है वह किस प्रकार से दूरी तय करती है, कितना समय उसको लगता है, उसका एक चार्ट होना चाहिए और उस चार्ट से संबंधित हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। अब देखिए मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एक चार्ट है। इस चार्ट में देखिए मुख्य रूप से तीन चीज है, एक पहला है क्रम संख्या, दूसरा है समय और तीसरा है बस द्वारा तय की गई दूरी। वास्तव में यह जो ग्राफ है एक बस द्वारा तय की गई दूरी का ग्राफ है कि किस प्रकार से बस कितने कितने समय में कितना कितना दूरी तय की है। ठीक है, तो इस चार्ट के लिए हम एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि ग्राफ का निर्माण करते कैसे हैं, उसके लिए हमें दो लंबवत रेखाएं चाहिए। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, ये पहली लंबवत रेखा है जो कि एक्स अक्ष बनेगी और ये दूसरी लंबवत रेखा है जो कि वाई अक्ष बनेगी। चलिए हम इसका नामकरण करते हैं। आप देख सकते हैं ये हो गया ओ एक्स और ओ वाई। अब देखिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की राशि होती है। एक जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एक राशि है समय यानी कि टाइम और दूसरी राशि है दूरी। अब यहाँ पर है कि किस राशि को किस अक्ष में दिखाएंगे। तो देखिए जो राशि किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे हम एक्स अक्ष में दिखाएंगे और जो राशि दूसरे राशि पर निर्भर करती है उसे हम वाई अक्ष में दिखाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, समय किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है, बस दूरी तय करे या नहीं करे समय धीरे धीरे पार होता जाएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि बस दूरी तय करती है तो तय करने में कुछ न कुछ समय लगेगा, मतलब समय जो है वह दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है लेकिन दूरी समय पर निर्भर करता है। समय जितना ज़्यादा होगा दूरी उतना ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष में समय को दिखाएंगे और वाई अक्ष में दूरी को दिखाएंगे। एक्स अक्ष मतलब ओ एक्स और वाई अक्ष मतलब ओ वाई। ठीक है, तो एक्स अक्ष में हम क्या करेंगे, समय को दिखाएंगे और वाई अक्ष में हम क्या करेंगे, दूरी को दिखाएंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि समय जो हमारा दिया हुआ है वह किस में दिया हुआ है, मिनट में। तो हम समय को मिनट में दिखाएंगे, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जिसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। और जो दूरी दिया गया है, दूरी जो चार्ट में आप देख सकते हैं वो किलोमीटर में है। तो अगर दूरी किलोमीटर में है तो हम जो ग्राफ बनाएंगे उसमें भी हम दूरी क्या करेंगे, किलोमीटर में ही दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोमीटर में ये दूरी दिया हुआ है। इतना करने के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पैमाना यानी कि स्केल, कि हम कितने दूरी को कितना किलोमीटर दर्शाएंगे और कितने दूरी को कितना समय दर्शाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्केल लेकर के अपना जो ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ पेपर को थोड़ा सा माप लेंगे और देख लेंगे कि मेरा कितनी लंबाई चौड़ाई उस ग्राफ पेपर में है और उसके बाद हम एक उचित पैमाना का चुनाव करेंगे। मैं अपने सुविधा के लिए मापता हूँ कि समय जो है एक मिनट को हम एक सेंटीमीटर से दर्शाएंगे और दूरी में एक किलोमीटर को एक सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। आप यहाँ स्केल का भी सहायता ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि एक्स अक्ष में जो समय को दर्शाया गया है मिनट में, तो एक्स अक्ष में प्रत्येक एक सेंटीमीटर पर हम एक मिनट को दिखाएंगे और उसी प्रकार से वाई अक्ष में प्रत्येक एक सेंटीमीटर में हम एक किलोमीटर को दर्शाएंगे। चलिए हम लोग उसको दर्शाते हैं। अब देखिए एक्स अक्ष पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब प्रत्येक एक एक सेंटीमीटर पर एक एक मिनट आगे होता गया है। और उसी प्रकार से वाई अक्ष में अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक एक सेंटीमीटर पर एक किलोमीटर दूरी को दर्शाया गया है। तो ठीक है, अब इसका जब हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्राफ हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे देखिए पहला क्रम संख्या 1, आप चार्ट में देख सकते हैं क्रम संख्या 1, यहाँ पर समय कितना है, 0,
और बस के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? जीरो। तो जीरो जीरो मतलब समय भी जीरो और दूरी भी जीरो। तो देखिए समय किस अक्ष में है? एक्स अक्ष में। उसका जीरो हमें कहाँ मिलेगा? इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, मूल बिंदु पर। और वाई अक्ष में दूरी को दिखाया गया है, उसका जीरो हमें कहाँ मिलेगा? इसी बिंदु पर। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जीरो हमें मूल बिंदु पर ही मिलेगा, जहाँ मैंने एक छोटा सा डॉट दे दिया। ठीक है, अब दूसरा हम क्रम संख्या की बात करते हैं। समय है 1 मिनट और दूरी है 1 किलोमीटर। मतलब देखिए समय 1 मिनट कहाँ पर है? इस जगह पर है। और दूरी कहाँ पर है? इस जगह पर है। तो हम क्या करेंगे, समय को और दूरी को इस तरह से डॉट 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 से अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि कहीं ना कहीं जाकर के ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं दूसरा क्रम संख्या 2 में कि समय है 2 मिनट और दूरी है 2 किलोमीटर। तो समय हमें 2 मिनट कहाँ मिलेगा? इस जगह पर मिलेगा। दूरी 2 किलोमीटर कहाँ मिलेगा? इस जगह पर मिलेगा। अब हम दोनों को इस तरह से डॉट 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 से क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब देखेंगे कि दोनों कहाँ पर जाके प्रतिच्छेद करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जा करके मिल गई। अब देखिए चौथा क्रम संख्या समय कितना है? 3 मिनट। दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। तो समय हमें 3 किलोमीटर 3 मिनट यहाँ मिलेगा और दूरी 3 किलोमीटर लगभग इस पर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से इस तरह से डॉट 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 से हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। अंतिम देखिए पांचवा क्रम संख्या, समय 4 मिनट और दूरी है 4 किलोमीटर। तो समय 4 मिनट हमें मिलेगा एक्स अक्ष के इस पॉइंट पर और दूरी 4 किलोमीटर हमें मिलेगा वाई अक्ष के इस बिंदु पर। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को डॉट 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 से इस तरह से मिलाएंगे। अब देखिए अब हमारा काम है सबसे इम्पोर्टेंट, अब हम इन सारे बिंदुओं को, आप यहाँ एक बिंदु देख सकते हैं, यहाँ एक बिंदु देख सकते हैं, यहाँ एक बिंदु देख सकते हैं और यहाँ एक बिंदु देख सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाते हुए एक इस तरह से लाइन खींचेंगे जो कि सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे बढ़ जाए। तो ये जो हमने लाइन खींचा, ये जो हमारा लाइन खींचा, इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी समय ग्राफ। अब देखिए यहाँ जो हमने दूरी समय ग्राफ खींचा है, यहाँ जो लाइन खींचा गया है, इस लाइन की प्रकृति कैसी है? तो अभी आप मेरे स्क्रीन को देखेंगे ध्यान से तो आप बोल सकते हैं ये जो लाइन है यह स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो जब ग्राफ सरल रेखा होता है तो इसका मतलब है जो वस्तु की चाल होगी वह एक समान होगी, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब चलिए इसी ग्राफ को हम साफ साफ एक बार बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 0 मिलेगा जो कि मूल बिंदु पर होगा, उसके बाद समय 1 मिनट और दूरी 1 किलोमीटर को मिलाएंगे, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास समय है 2 मिनट और दूरी है 2 किलोमीटर, इस तरह से मिलाएंगे। फिर है समय 3 मिनट, दूरी 3 किलोमीटर, इस तरह से मिलाएंगे। और लास्ट में है समय 4 मिनट, दूरी 4 किलोमीटर, तो हमारे पास इस तरह से मिलेगा। अब सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम जब लाइन खींचेंगे तो लाइन कुछ इस तरह से आएगी जो कि इस स्थिति में एक सरल रेखा होगी। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्थितियों में ग्राफ जो है वह सरल रेखा ही होगी, वह वक्र रेखा हो सकती है। अब चलिए हम लोग विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ को देखते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की स्थिति के लिए दूरी समय ग्राफ। अब ये विभिन्न प्रकार की स्थिति कौन कौन हो सकती है, तो देखिए पहला स्थिति हो सकता है एक समान गति के लिए। एक समान गति का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उस स्थिति में दूरी समय ग्राफ जो होगा वह कैसा होगा, तो उसके लिए हम पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस ग्राफ में हमारे पास ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हम किसको दिखाते हैं, अभी अभी हमने बात किया था कि दूरी समय ग्राफ होगा तो एक्स अक्ष में हम किसको दिखाएंगे, समय को, और वाई अक्ष में किसको दिखाएंगे, दूरी को। अब यहां देखिए एक समान गति के लिए जो दूरी समय ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा होगा, वह क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। लेकिन अगर वस्तु की गति एक समान नहीं हो, असमान गति हो, तो असमान गति के लिए जो दूरी समय ग्राफ होगा वह कैसा होगा, वह सरल रेखा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और ये हो गया मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष में हम किसको दिखाएंगे,
समय को, वाई एक्स में किसको दिखाएंगे, दूरी को, और चूंकि यह गति कैसी है, असमान गति है, तो असमान गति में जब हम लोग एक चार्ट के द्वारा ग्राफ बनाएंगे तो हम देखते हैं कि यह जो ग्राफ है वह सरल रेखा नहीं मिलेगा, या कुछ टेढ़ा मेढ़ा या कुछ अलग टाइप से मिल सकता है, किसी प्रकार से मिल सकता है। अब देखिए तीसरी स्थिति है, वह क्या है, विराम के लिए। विराम मतलब जब वस्तु गति नहीं कर रही हो, उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में हम किसको दिखाते हैं, समय को, और वाई अक्ष में किसको दिखाएंगे, दूरी को। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज समझिए इसको, कि जब कोई वस्तु विराम में होगी, तो अगर कोई वस्तु विराम में होगी तो वह कितनी दूरी तय करेगी, स्वाभाविक से बात है, अगर वह विराम में होगी तो वह दूरी तय नहीं करेगी, मतलब शून्य दूरी तय करेगी। अब यहां पर देखिए, अगर वह शून्य दूरी तय करेगी, विराम में रहेगी, तो इसका मतलब वस्तु जिस स्थिति में होगी, जैसे होगी वैसे का वैसे ही वो रहेगी, मतलब उसके दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रारंभिक स्थिति में वह मूल बिंदु से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ दूरी पर होगी, तो उतना ही दूरी पर वो हमेशा बनी रहेगी। चलिए मैं मान लेता हूँ कोई वस्तु है जो मूल बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर है, यहाँ देखिए मूल बिंदु है और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ यह कितना है, 1 मीटर है, और वस्तु विराम में है, तो अब समय तो बीतेगा लेकिन वस्तु ना इस 1 मीटर से ऊपर जाएगी ना 1 मीटर से नीचे जाएगी। उस स्थिति में इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा लेकिन वह समय अक्ष के समांतर हो जाएगा। वह समय अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, 3 स्थिति हम लोगों ने देखा, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होती है, असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ सरल रेखा नहीं होती है, और विराम के लिए दूरी समय ग्राफ जो है वह सरल रेखा होगी और समय अक्ष के समांतर होगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम लोग चाल समय ग्राफ की बात करते हैं, तो दूरी समय ग्राफ के जैसा ही चाल समय ग्राफ भी होता है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि दूरी समय ग्राफ में दूरी को हम लोग वाई अक्ष में दिखाते हैं, चाल समय ग्राफ में चाल को हम लोग वाई अक्ष में दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार सारी चीजों को दोहरा लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने सीखा था कि किसी वस्तु की गति मंद एवं तीव्र हो सकती है, मतलब वस्तु जो धीरे धीरे चलती है उसकी गति मंद होगी, और जो फास्ट चलती है तेजी चलती है उसकी गति तीव्र हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, और चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। और उसके बाद हम लोगों ने यह भी सीखा था कि सरल लोलक की आवर्ती गति का उपयोग कर घड़ियां बनाई जाती है। आपने लोलक घड़ी अवश्य देखा होगा, तो लोलक घड़ी जो बनती है वह सरल लोलक की आवर्त गति का उपयोग करके ही बनाई जाती है। और हमने यह भी देखा था कि जब कोई सरल लोलक गति करता है तो एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उस लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल का एसआई मात्रक वही होता है जो कि समय का होता है, यानी आवर्तकाल का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। और हमने यह भी सीखा है कि वस्तुओं की गति को ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है, दूरी समय ग्राफ उसी का एग्जाम्पल है कि वस्तुओं के द्वारा कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, इसको हम लोग दूरी समय ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब देखिए चाल मापी से वाहन की चाल मापी जाती है, यह आप जानते होंगे कि जब कोई वाहन गति करती है तो उसके चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर यानी कि चाल मापी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप यह भी जानते होंगे कि वाहन के द्वारा कितनी दूरी तय की गई इसको मापने के लिए पथमापी होता है, और पथमापी को हम लोग अंग्रेजी में ऑडोमीटर भी कहते हैं। और अंत में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विराम घड़ी का उपयोग प्रायः प्रयोगशाला एवं खेल में होता है। आपके स्कूल में प्रयोगशाला जरूर होगा, आप वहां जाकर जरूर देखें कि विराम घड़ी का उपयोग किस प्रकार से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।